हम आपके लिए लेके आए हैं सच्चा हिंदुस्तान। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लद्दाख की 24 वर्षीय कनीज फातिमा को एयर इंडिया के लिए महिला पायलट नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कनीज फातिमा लद्दाख की चुनी जाने वाली दूसरी महिला पायलट बन चुकी है। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग पूरी करने के तुरंत बाद ही एयर इंडिया ने उन्हें महिला पायलट के पद पर नियुक्त कर दिया। आपको बता दें कि लद्दाख की पहली महिला पायलट हिना मशहूर है, जो पहले ही एयर इंडिया के साथ काम कर रही है। कनीज फातिमा को कश्मीर से लद्दाख से निकलकर पायलट तक का सफर बेहद ही दिलचस्प रहा है। लेह के नजदीक स्थित पोलो ग्राउंड में रहने वाली कनीज के माता पिता का बहुत पहले तलाक हो चुका है, जिसके बाद कनीज का पालन पोषण उसकी माँ शकीला बानो और एक नर्स ने मिलकर किया। कनीज दो बहने हैं। पहले 28 वर्षीय नहीदा इब्राहिम, जिसने श्रीनगर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इंजीनियर के तौर पर काम करती है। यह कंपनी हेलीकॉप्टर और हल्के विमान बनाने का काम करती है। वहीं छोटी बहन कनीज फातिमा ने अब पायलट बनकर हवा में उड़ने के अपने सपने को साकार किया। इसे संजोग ही कहा जा सकता है कि दो बहनों में से एक हवाई जहाज बनाने का काम करती है तो दूसरी बहन अब हवाई जहाज बनाने की तैयारी है। कनीज के रिश्तेदार महाजीत बताते हैं कि कनीज के परिवार ने अपने जीवन में काफी संघर्ष झेला है। अपने नाना नानी की मदद से कनीज की माता ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें अपना सपना पूरे करने के काबिल बनाया। उन्होंने बताया कि कनीज के ऊपर काफी सारा बैंक का कर्ज है।